के गलत निर्णय से लाखों करोड़। अरे एक बात बताइए चक्रवर्ती महाराज जी, अभी क्या है, एक महीने पहले ही मेरे गृह प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में मुरैना एक इलाका है, उस मुरैना में एक युवक ने एक परिवार के 8 लोगों को गोली मार दी। और गोली इसलिए मार दी कि आज से 10 साल पहले उसके परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। वो उसके कारण से बड़ा व्यथित था, उसका हृदय बड़ा तप्त था। उसकी माँ ने भरे बाजार में यह बोला, बेटा तेरे में अगर पिता का थोड़ा भी अंश है ना, तो इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। उसने 8 लोगों को गोली मार दी। उसके नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम महाराज जी आप कब आयोजित करने वाले, क्योंकि भाई परिवार की हत्या हुई थी परिजनों की, उसका बदला लिया उसने, 8 लोगों को जिसमें 5 महिलाएं भी थी मार गिराया है, कब है? कोई भावना है ना पीछे, परिवार की अस्मिता को लेकर संघर्ष है ना। हत्या को आप ठीक नहीं मानते, पर पीछे सोच को तो ठीक मानते हैं ना, कि जिसने मेरे पिता को मारा उसे जिंदा नहीं रहने दिया। इसी के साथ चलेगा समाज, इसी के साथ चलेगा देश। नहीं 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 हिमांशु जी, संविधान का राज है, संवैधानिक तरीके से कार्य की जानी चाहिए। अगर ऐसे हिंसा होने लगे कि कोई बचेगा ही नहीं, एक दूसरे को मारते चलेंगे। यहाँ पे सवाल आप देखो, एक एक देश विभाजन की बात है। ये बात ये है कि जो हमने देश को वचन दिया, उस वचन न पालन करने का वो है, और आप उसके बावजूद भी 55 करोड़ रुपया देना, जो उन्होंने स्वयं गोटे ने अपने उसमें बताया, तो यह कई चीजें वेदना है। जो उस समय आप देखो कि एक गलत निर्णय से न सिर्फ देश का विभाजन हुआ, बल्कि हमारे कितने हिंदू। एक सवाल और लूंगा चक्रवाणी महाराज जी, इस समय भी देश में जितने राजनेता है ना, प्रदेश में और देश में, उसको लेकर भी लोगों में बड़ी नाराजगी रहती है। ये नीति ठीक नहीं है, ये देश हित में ठीक नहीं है, प्रदेश हित में ठीक नहीं है, या पार्टी हित में ठीक नहीं है, क्या करें? हर कोई गोडसे बनने के लिए तैयार हो जाए, और उसके समर्थन के लिए चक्रवर्ती महाराज जी और गिरिराज सिंह जी हैं समाज में हमारे लिए पैरवी करने के लिए, क्योंकि ठीक नहीं कर रहे देश के साथ। देश के साथ ठीक नहीं हो रहा भाई, प्रदेश के साथ ठीक नहीं हो रहा चक्रवर्ती महाराज जी। अगर गोडसे उस समय पर ठीक था, तो इस देश के युवाओं का आह्वान कब कर रहे हैं कि नए गोडसे की जरूरत है, नए गांधियों के संदर्भ में इसी तरीके के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आह्वान हो जाए चक्रवर्ती महाराज जी, देश लाभान्वित हो जाएगा। नहीं, गोडसे एक विचार है, और गोडसे की आवश्यकता आतंकवाद के खिलाफ है। गोडसे की विचारधारा की आवश्यकता देश को अखंड बनाने के लिए है, और देश को समृद्ध बनाने के लिए है, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए है, देश की परचम लहराने के लिए होनी चाहिए। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हिंसा के माध्यम से नहीं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जहाँ आतंकवाद के खिलाफ है, वहां पे अपना बहादुरी का परिचय देना चाहिए। और अब तो अखंड, अब तो हमारे नए संसद में अखंड भारत का भी चित्र लग गया, तो निश्चित रूप से एक एक देश के लोगों को दे दिया गया है, अखंड भारत अब बनेगा। थोड़ा हमारी चर्चा व्यक्तिगत होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ। सोचता तो हूँ कि बस इस पे आगे बढ़ जाऊं, पर आपके तर्क ऐसे है ना कि रुक जाता हूं। वो संसद में नया जो अखंड भारत का लगा है ना, उसमें भूटान भी है, उसमें नेपाल भी है, उसमें बर्मा भी है, और क्या बताऊं आपको, उसमें कंबोडिया भी है। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान के संदर्भ में तो महात्मा गांधी जिम्मेदार हो गए, तो उन्हें तो गोडसे ने निपटा दिया। ये बाकी जो भारत के साथ नहीं रहे, उसके लिए कौन कौन चिन्हित है, और उन सबको जिम्मेदार लोगों को सजा कब दिलवाई जा रही है? देखिए, चाहे हमारा देश पूरी तरह विराट था, चाहे ईरान से लेकर के और जितने भी वो है आपने बताया, अखंड भारत था, इसको कहीं ना कहीं परिस्थिति जन ऐसा हुआ कि टुकड़े टुकड़े में होता गया, और अनेक अपने अपने अस्तित्व को लेकर के हो गए। तो निश्चित रूप से एक अपनी सामने एक अपने एम बड़े रखने चाहिए। अगर अखंड भारत का निर्माण हो रहा है, आप देखिए ना, चाइना किस प्रकार से विस्तारवाद को लेकर फैला रहा है, पूरे विश्व पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, और हमारा तो पूरा विश्व था ही, इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सनातन में दी गई स्लोगन की पूरा विश्व हमारा परिवार है। आपने मुझे जवाब नहीं दिया, इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन है और उनको सजा कब दिलवा रहे हैं आप? पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, और शंकरलाल तिवारी जी आपके पास आता हूँ। 9 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री देश भर में निकले हैं, और उनके बीच में गिरिराज सिंह देश को यह भी बताने के लिए निकले हैं कि इस देश का सपूत कौन है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब बहुत कमजोर पड़ गए भाई। गिरिराज सिंह को अगर इस देश को सपूत समझाना पड़ा तो नाथूराम गोडसे मिला। ऐसा दारिद्र, ऐसी दीनता, 9 साल की उपलब्धियों के